जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार गुरुवे नमः जय श्री स्वामी गुरुवे नमः जय श्री सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद मोक्ष नम मोक्षता वेत्तारमुभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् तत्त्वाश्रुते परम मांगलिक ग्रंथ है जैन धर्म में और जैन दर्शन में यह एक अपने महान स्थान को प्राप्त किया है बहुत ही ख्याति और प्रसिद्धि को प्राप्त ऐसा महान ग्रंथ परम उपकारी आत्म कल्याणकारी है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा है इसकी सूत्रात्मक शैली है भाषा इसकी संस्कृत है दस अध्यायों में विभाजित है सात तत्वों का इसमें वर्णन है हम सभी लोग द्वितीय अध्याय में पंच भावों को पढ़ रहे थे जीव के स्वतत्व भाव निज भाव वो भाव पांच प्रकार के औसमिक छायिक छायोसमिक औदयिक और पारणामिक भाव इसमें हम पांचवा जो भाव है पारणामिक जो आश्रय करने लायक है जिसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है जिसके आश्रय से ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है जिसके आश्रय से ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है और आपको क्या कहें जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है ऐसा परम पारणामिक भाव है परम पारणामिक भाव जो है जो चेतनपना है वो पारणामिक भाव है जिसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है आप ही बताइए चेतन को चेतन बने रहने में कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ता है किसकी आवश्यकता पड़ती है किसकी कृपा दृष्टि चाहिए किसका आशीर्वाद चाहिए चेतन तो अनादि से था और अनंत काल तक चेतन रहेगा इसमें किसी परमात्मा की कृपा नहीं चाहिए ना किसी का गुरु आशीर्वाद चाहिए और ना ही किसी पुद्गल की कोई छाया चाहिए ऐसा परम पारणामिक भाव प्रत्येक आत्मा में होता है यह है पारणामिक भाव जो है जीव का अपना स्वभाव है जो कर्म निरपेक्ष की दृष्टि से प्रकट होता है हम सभी लोग उस पारणामिक भाव के जो तीन भेद देखे थे जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व एक बार बोर्ड के माध्यम से उस सूत्र को देखते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं दूसरे अध्याय का सातवां नंबर सूत्र है जीव भव्या भव्यत्वाचा जीव भव्य भव्यवनिचा जीव भव्य और अभव्य जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व जीवपना भव्यपना और अभव्यपना इस प्रकार से ये तीन प्रकार के पारणामिक भाव हैं जीवत्व तो मतलब चेतनपना चेतनापना जो आत्मा का चेतन अनादि अनंत है जिसे किसी ने क्रिएट नहीं किया और ना कभी डिस्ट्रॉय होगा जैसे पुद्गल है पुद्गल का अपना जड़ रूप स्वभाव ऐसे ही आत्मा का अपना चेतन रूप स्वभाव तो वो पारणामिक भाव है किसी कर्म के सा के कारण से कोई प्रकट नहीं हुआ है और ना ही किसी कर्म के कारण नष्ट हो जाएगा अहेतुक है कैसा है अनादि अनंत अखंड अभेद और अहेतुक अहेतुक मतलब क्या किसी हेतु से पैदा नहीं हुआ है किसी कारण से पैदा चेतना नहीं हुई है क्योंकि यदि किसी कारण से चेतना पैदा हो जाए तो किसी कारण से चेतना नष्ट भी हो सकती है जैसे अन्य लोग मानते हैं कि चेतना उत्पन्न होती है और चेतना फिर नष्ट हो जाती है पर ऐसा नहीं है क्योंकि कारण इसमें नहीं है ये अकारण ही है ये अपने स्वभाव से ही अनादि अनंत काल से चेतन बना है और चेतना को चेतना रहने में किसी प्रकार का पुरुषार्थ किसी प्रकार का आशीर्वाद आदि की जरूरत कृपा आदि की जरूरत नहीं पड़ती है भव्यत्व ये जीव के अपने अंदर एक क्वालिटी होती है कि वह है मोक्ष जा सकता है वो पुरुषार्थ करके कर्मों की निर्जरा कर सकता है आत्मकल्याण कर सकता है आत्मा को परमात्मा बना सकता है परम शुद्ध बना सकता है रत्नत्रय धारण कर सकता है धार्मिक बुद्धि प्रकट कर सकता है समीचीन तत्व को जान सकता है ये भव्यत्व के अंदर अपनी एक योग्यता होती है अभव्यत्व के अंदर क्या है इसके अंदर ये सम्यक दर्शन आदि को बारे में तो जान सकता है शास्त्रों के बारे में जान सकता है लेकिन उसका अनुभव नहीं करता उसकी अनुभूति नहीं करता प्रतीति नहीं कर पाता इस अभव्य को निमित्त तो बहुत मिलते हैं निमित्त मिलने के बाद भी यहाँ तक निमित्त मिलते हैं कि वो व्रत भी ले लेता है मुनि भी बन जाता है पर कल्याण नहीं होता है क्यों क्योंकि उसके अंदर यश ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे कि भावना से वह व्रतों को धारण करता है कठोर से कठोर साधना करता है शास्त्रों में यहाँ तक कहा है कि वह जो उसके निमित्त से अस, असंख्य जीव तर्जाएँ लेकिन उसका अपना कल्याण नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर अभव्यत्व है तो ये आत्मा की अपनी क्वालिटीज़ हैं और जो क्वालिटीज किसी कर्म के सापेक्षता से प्रकट नहीं होती हैं इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व का स्वरूप कहा आचार्य श्री नमोस्तु क्या संसार में ऐसे भव्य जीव हैं जिनका कभी कल्याण नहीं हो सकता ऐसे भी भव्य जीव हैं जो भव्य होते हुए भी अभव्यवत हैं जिनका आगे अनंत काल में भी कल्याण नहीं होगा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा आगम शास्त्रों में तीन प्रकार के भव्य बताए हैं एक निकट भव्य दूसरा दूर भव्य और तीसरा दूरानुदूर भव्य आदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट कर लेंगे पहला निकट भव्य, दूसरा दूर भव्य और तीसरा दूरानु दूर भव्य शीघ्र मोक्ष प्राप्त करने वाला जो जीव होता है वो निकट भव्य है जिसका शीघ्रता से मोक्ष होने वाला है शीघ्रता से मतलब है कि दो तीन या बत्तीस भाव आदि ये जो शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ऐसे जीव निकट भव्य जीव कहते हैं इसको आसन भव्य जीव भी कहते हैं कि जिसका समय बहुत नज़दीक है कल्याण का दूरभव्य जो जीव हैं जो जिनके अनंत भाव भी लग सकते हैं जो पंच परावर्तन भी कर सकते हैं ऐसे दूरभव्य जीव भी होते हैं जो कुछ समय बाद मुक्ति को प्राप्त करेंगे वो दूरभव्य जीव कहलाते हैं दूरानु दूर्भव्य जीव ऐसे होते हैं जिनका कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता योग्यता होते हुए भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता ऐसे दूरानुदूर भव्य जीव कहलाते हैं गुरुदेव नमोस्तु 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 दूरानु भव में योग्यता है फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं होती गुरुदेव हम उसकी मुक्ति के लिए आपसे निवेदन करते हैं हमारे को बताइए दूरानुदूर जो भव्य जीव है उसमें योग्यता तो है क्योंकि भव्य है तो योग्यता तो है लेकिन मुक्ति क्यों नहीं होती है क्योंकि उस जीव को निमित्त नहीं मिलते हैं क्योंकि उसका जीवन जो है वो एक इंद्रिय पर्याय में ही अनादि अनंत काल बीत जाता अनादि काल से अनंत काल तक वो एक इंद्रिय पर्याय में ही रहता है जिसके कारण उसको इस प्रकार से सानिध्य नहीं मिलता है पंच परमिष्टि का सानिध्य नहीं मिलता है निमित्त नहीं मिलता है और इस प्रकार की छो समलब्धि विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि का समागम नहीं हो पाता है इसलिए योग्यता है पर निमित्त नहीं है तो मुक्ति नहीं है जो लोग निमित्त का विरोध करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निमित्त की कितनी आवश्यकता है ठीक है निमित्त निमित्त में रहता है निमित्त उपादान में प्रवेश नहीं करता है ये बात सत्य है निमित्त अपना अपना मौजूदगी देता है पर वो मौजूदगी भी अपने आप में बहुत बड़ा काम करती है हमारे उपादान को जागृत होने में निमित्त बनता है कारण बनता है निमित्त निमित्त रूप से काम करता है उपादान रूप से नहीं लेकिन निमित्त की आवश्यकता होता है संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें कोई निमित्त ना मिलता हो आप कोई सा भी कार्य देख लीजिए कर्म का उदय का निमित्त मिलता है तो जीव किस प्रकार से रागदेश मोह के परिणाम आदि होते हैं कर्म तीर्थंकर प्रगति कर्म का उदय का निमित्त मिलता है तो तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तन आदि होता है तो इस प्रकार से आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी समय सार में कहते हैं जीव के परिणाम से कर्मों का बंध होता है और कर्म के उदय से जीव के भाव होते हैं ये दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं इसलिए हमें आगम में ना निमित्त का विरोध करना है ना उपादान का विरोध करना है कोई उपादान को लेकर चलता है तो एकांत मिथ्याती है कोई मात्र निमित्र मात को मानता है तो वो भी एकांत मिथ्याती है निमित्त उपादान दोनों की सन्नति से ही जीव की सिद्धि होती है मुक्ति होती है अब देखिए दूरानुदूर भव्य जीव में योग्यता होते हुए भी उपादान शक्ति होते हुए भी लेकिन उसे इस प्रकार से कर्म का अच्छे अच्छे कर्म का निमित्त मिलना विशुद्धि लब्धि आदि मिलना ना मिलने के कारण वह जो जीव है वो कभी भी तीन काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा बिल्कुल ये दूरानुदूर जो भव्य जीव है ये अभव्यवत है कैसे है अभव्यवत अभव्य और दुर्भव में क्या अंतर है सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि दुर्भव की योग्यता है पर निमित्त नहीं मिलता अभव्य में निमित्त मिलते हैं अभव्य में निमित्त मिलते हैं जिसमें योग्यता नहीं है अभव्य मिलते हैं क्या है पर योग्यता नहीं है उसके ऐसे ही कर्म का बंधन है ऐसे ही कर्म का उदय है जिससे कारण उसके अंदर वो योग्यता प्रकट नहीं हो पाती अथवा उसका परिणामिक भाव है ये अभव्यपना उसका परिणामिक भाव है अभव्यपना कि जो कभी भी उसके अंदर रत्नात्रय प्राप्त होने की योग्यता नहीं होगी अब आप बोलेंगे ऐसा उसने कौन सा पाप किया है ऐसा कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिसके कारण क्या बोलते हैं कि उसके अंदर युक्ति मोक्ष की प्राप्ति की योग्यता नहीं है और ऐसा दूरानु दुर्भाग्यों ने कौन सा पाप किया है जिसके कारण उसको निमित्त नहीं मिलते हैं बस ऐसा ही नियोग है भैया अब नियोग है अब नियोग है सो है अब आप कहो कि अग्नि जो है उष्ण क्यों है तो बस है ऐसा स्वभाव है अब आप कहें कि जल शीतल क्यों है तो हर जगह क्यों नहीं चलता स्वभाव में क्यों नहीं चलता ये पारिणामिक भाव स्वभाव है ऐसे कितने जीव हैं जो भव्यता को धारण करते हैं और ऐसे कितने जीव हैं जो अभव्य का धारण करते हैं मेरे चिंतन के माध्यम से मुझे इतना लगता है कि केवली भगवान जो जीव के अनादि अनंत जो पर्याय देखते हैं उन पर्यायों में ऐसा देखते होंगे कि ऐसा कोई भी जीव है जो इस प्रकार के परिणाम करता रहता है जिसके कारण उसे ऐसा संयोग नहीं मिलता है और संयोग मिलता भी है तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता इसलिए उनको दूरानुदुर्भव्य और अभव्य का है और एक ऐसे भी जीव हैं जिनको योग्यता मिलती है और निमित्त मिलते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं वो भव्य जीव वो दुर्भव्य जीव वो निकट आसन भव्य जीव कहलाते हैं इस प्रकार से इस सूत्र में अपन ने तीन प्रकार का जो परिणाम देखा चेतनत्व भव्यत्व और अभव्यत्व चेतनत्व भी कर्म निरपेक्ष है भव्यत्व भी कर्म निरपेक्ष है और भी कर्म निरपेक्ष है यह है? पारणामिक भाव जो है इसमें से जो अपन को जीवत्व पारणामिक भाव है वो है आश्रय करने लायक है वो ग्रहण करने लायक है उसमें दृष्टि देना चाहिए उसमें हमको नजर रखना चाहिए अपना चित्त स्थिर करना चाहिए जिसके माध्यम से हमें सम्यक की प्राप्ति होगी और रत्नात्रय आदि की भी प्राप्ति होगी इस प्रकार हमने जीव के पांच भावों को अब तक पढ़ा औपसमेक छाया औव्य और पारणामिक इन पांचों भावों के बारे में अपन ने विस्तार रूप से जाना अब इन पांचों भावों का अपन लास्ट में उपसंहार करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर और अध्ययन करते हैं पांचों भावों में कर्मों की अपेक्षा कर्म संबंधित बातें और भी चीज़ें जो हैं उसको लेके चलते हैं और इसको अपन स्लाइड में देखते हैं कि पांचों भावों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर लिखा होगा औप समिक छायिक मिश्र मिश्र के नीचे लिखा होगा छाय समय औदेक और पारणामिक ये पांच प्रकार के भाव आप देख रहे हैं जो लिखे हुए हैं और इससे इनसे संबंधित कर्म क्या लिखा है औप समिक में मोहिनी कर्म की अपेक्षा से बनता है कि मोहिनी कर्म का उपसम होने से छायिक जो भाव है उसमें चार घातिया कर्मों का बनता है कि चारों घातिया कर्मों का क्षायिक भाव पाया जाता है और मिश्र में छयसमिक भाव में भी चार घातिया कर्मों का चार घातीय कर्मों का छह उपसम होने से उपसम भाव प्रकट होता है और औदिक भाव आठों कर्मों का होता है आठों कर्मों का उदय पाया जाता है जिससे औदिक भाव होता है और परिणामिक देखिए डैश लगा है कुछ खाली है बिल्कुल ना वहाँ पर कोई मोहनी कर्म है ना घातिया कर्म है ना घातिया कर्म है और ना ही आठों कर्म है इनके अभाव में पारणामिक भाव होता है और देखिए क्या लिखा है पांचों भावों के स्वामी कौन कौन हैं जो पांच भाव अपन ने पड़े हैं वो उसके अधिपति उसके स्वामी कौन कौन हैं तो सबसे पहले अपन ने क्रम लिखा है पीछे पहले पारणामिक भाव लिखा है समस्त जीवों में पारणामिक भाव पाए इसलिए सबसे पहले क्यों लिखा क्यों सब जीवों में पाया जाता है निगोदिया से लेकर के सिद्ध अवस्था तक जितने भी जीव हैं संसारी जीव हों चाहे मुक्त जीव हों उन सभी जीवों में यह पारणामिक भाव पाया जाता है क्योंकि चेतनपना जो चेतनापना है वो सब जीव में रहेगा ये चेतना नहीं है तो वो तो अजीब हो जाएगा इसलिए हर जीव में चेतना होती है इस कारण पारणामिक भाव सभी में है औद्योगिक जो भाव है वो समस्त संसारी जीवों में पाया जाएगा सिद्ध जीवों में नहीं लिखा है यहाँ पर देखिए संसारी जीव में समस्त संसारी जीवों में औदिक भाव पाया जाता है पहले गुण स्थान से लेकर चौदह गुण स्थान तक सभी औद्योगिक भाव पाए जाते हैं मतलब सभी जीवों में यथाक्रम से जो जो औदिक भाव उस स्थान में हो वो लगा लेना तो सभी जीवों को औदिक भाव पाए जाते हैं और क्षयिक जो भाव है उसके जो स्वामी हैं वो एक गुणस्थान से लेकर के बारहवें गुण भर्ती जीव जो हैं वो छमक भाव पाया जाता है मतलब पहले गुणस्थान से लेकर के चलते जाइए और बारहवें गुणस्थान तक था, क्रम से कर्मों का छोप पाया जाता है वो छषमिक भाव वाले जीव होते हैं छाइक में कौन कौन से जीव होते हैं छाइक एक सिद्ध भगवान एक सिद्ध भगवान दूसरा अरहंत भगवान और तीसरा छायक समय दृष्टि ठीक है ना छायक समय दृष्टि को जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है छय होकर के और फिर अरहंत सिद्ध जिन्होंने घातिया कर्म को नष्ट कर दिया है ऐसे अरहंत तो और सिद्ध तो इस प्रकार से ये तीन जो जीव हैं, यह है छायक भाव के स्वामी हैं। औपमिक भाव जो लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर वो औसमिक भाव के स्वामी कौन हैं एक तो जो औपसामिक सम्यक और औपसम्य चारित्र वाले जीवों को पाया जाता है अर्थात नियम से या तो सम्यक दृष्टि होंगे जो जीव हैं या सम्यक दृष्टि सहित रत्नात्र धारण करने वाले जीव होंगे जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले औसम्य चारित्र के साथ चढ़ने वाले ऐसे जीव होंगे अर्थात दो ही जीव हैं औपसम्य सम्य वाले और औसाम्य चारित्र वाले इस प्रकार से पांच भावों के यहाँ पर स्वामी कहे अब इन पांच भावों के काल बताना है हमको क्या बताना है पांचों भावों का काल समय कितना कितना है तो यहाँ पर काल बताएं उसके पहले कुछ जानकारी है आप यहाँ पर देख लीजिए जो शब्द हैं वो शब्द आपको आगम में बहुत जगह पढ़ने को मिलते हैं कभी शादी कभी शांत कभी अनादि कभी अनंत तो उनका यहाँ पर क्या अर्थ है यहाँ पर देखिए जहाँ भी सादी शब्द लिखा होगा तो उसका मतलब सा आदि जिसकी शुरुआत हुई है उसको बोलते हैं सादी ठीक है ना शांत कैसे बोलते हैं सा अंत जिसका अंत हुआ है उसे शांत कहते हैं अनादि अन आदि अनादि के शब्द को तोड़ेंगे तो अन आदि जिसकी शुरुआत नहीं हुई है जिसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है उसे अनादि कहते हैं अनंत अन अंत जिसका अंत नहीं है जिसका क्या नहीं है अंत नहीं है उसे अनंत कहते हैं इस प्रकार से पांच भावों का तो अब देखिए अपन भावों में लगाते हैं ये तो हमने आपको परिभाषा बता दी ठीक है ना अब ये पांच भावों को भावों में लगाते हैं कौन शादी है कौन अनादि है कौन अनंत है कौन शादी शांत है इसको अच्छे समझना और डायरी पेन हो तो नोट कर लेना और नहीं लिख पाओ तो यहाँ नंबर चल रहा है भैया जी का पंडित जी का उस नंबर में कॉल करके उनसे कॉपी ले सकते हैं ठीक है तो पांच भावों की बात जो चल रही है क्या लिखा है औपसमिक भाव कैसा है शादी शांत है क्या लिखा है शादी शांत मतलब आदि सहित है और अंत सहित है औपसमिक भाव नियम से आदि सहित होगा प्रथम बार होगा और उसका अंत भी होगा मतलब वो नष्ट भी होगा छूट भी जाएगा और कितने देर के लिए होता है वो असमयिक भाव काल लिखा है अंतर मुहूर्त के लिए होता है कितने के लिए होता है अंतर मुहूर्त क्षायिक जो भाव है वो दो प्रकार से अपन देखेंगे एक संसार अपेक्षा से और एक अनंत काल की अपेक्षा से संसार अपेक्षा से शादी शांत जिसका आदि तो हुआ है और जो अंत सहित है कैसे अंत सहित है संसार की अपेक्षा आयु कर्म के क्षय की अपेक्षा तैतिस सागर प्लस दो पूर्व कोटि कोई जीव सिद्धि में तैतिस सागर का कोई देव है वह वहाँ से मनुष्य पर्याय में आया और एक पूर्व कोटि की उसने आयु धारण की ठीक है ना और पिछले भाव में भी एक पूर्व कोटि की आयु धारण की थी मनुष्य अवस्था में तब तैतिस सागर देव बना फिर यहाँ से आके फिर एक पूर्व कोटि धारण की कितनी होगी दो पूर्व कोटि तो जब पहली बार जब एक पूर्व कोटि धारण किया था तो उसमें आठ वर्ष अंतर मुहूर्त निकाल दीजिए इसलिए यहाँ पर कुछ कम लिखा है तो दो पूर्व कोटि हो गया तो सागर प्लस दो पूर्व कोटि एक संसार की अपेक्षा से छायक भाव लेंगे और वैसे छायक भाव अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था अनंत काल तक छूटता नहीं है इसलिए कैसा हो जाएगा शादी अनंत जिसका आदि तो हुआ है पर कभी अंत नहीं होगा ऐसा भाव छायक भाव कहलाता है छयोष्मिक भाव में क्या लिखा हुआ है शादी शांत ठीक है ना और अनादि शांत दो प्रकार से लिखा हुआ है शादी शांत का मतलब क्या है जिसका आदि तो है और अंत भी होगा नियम से अंत होगा क्योंकि छाए बिना कल्याण नहीं होने वाला है तो इसलिए उसका अंत भी होगा आदि शादी सा, शांत है और अनादि शांत क्या है क्योंकि अनंत काल से भी अनादि काल से भी जीव को कुछ न कुछ मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान का छवसम तो पाया जाता है तो सम्यक दर्शन के अलावा और भी छव होते हैं उस अपेक्षा से अनादि काल से जीव को छवसम है कुछ न कुछ ज्ञान का दर्शन का सुख का और वीर शक्ति का और उस उनका अंत भी हो जाता है उन छम का अंत भी हो जाता है इसलिए शांत औदिक भाव देखिए क्या लिखा है शादी शांत जिसका कर्म का उदय होता है और कर्म निर्जरा होकर के छ को प्राप्ति हो जाता है तो आ शादी शांत है और वैसे हर जीव को अनाधी काल से और अन अनंत काल तक केवल कर्म का उदय चल रहा है इसलिए अनादि शांत उसका उदय होता है अनादि काल से और फिर वो शांत भी हो जाता मतलब नष्ट भी हो सकता है और मुक्ति को प्राप्त भी कर सकता है अब पारिणामिक भाव लिखा हुआ है पांचवा नंबर का वो कैसा है अनादि अनंत अनादि काल से पारिणामिक चेतनापन है और अनंत काल तक चेतनपन रहेगा पहली बात भव्यत की अपेक्षा कैसे अनादि काल से भव्यतपना तो है लेकिन जब आठों कर्म नष्ट हो जाएंगे और जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा तो उसका भव्यतपना भी निकल जाएगा अतः नहीं भव्यतपना नहीं रहेगा क्योंकि जो कार्य होना था वो कार्य हो चुका इसलिए अब भव्य भव्यत की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसको भी अनादि शांत कहते हैं इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा कि पाँचों भावों के काल अब हे और उपादे दिख लेते हैं पांचों भाव में क्या हे है, है क्या उपादे औषमिक भाव जो है वो एक देश उपादे है छायक भाव जो है प्रकट करने योग उपादे है उसको प्रकट करना चाहिए ऐसा छायक भाव बिल्कुल उपादे है मिश्र भाव जो छमिक भाव है वो एक देश उपादे है ठीक है ना और औद्य भाव है वो हे है, है वो हमें ग्रहण करने योग नहीं है वो हमारे लिए हे है और परिणामिक भाव जो है आश्रय करने योग परम उपाधेय है ठीक है ना इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये पांच भाव देखिए फिर से औ एक देश उपाधेय है क्योंकि धर्म की शुरुआत है यहाँ से और धर्म में आगे परमानेंट टिकाव रहेगा इसलिए प्रकट करने योग छायक भाव है उपाधेय है और मिस्र जो है कुछ समय तक के लिए रहता है कुछ काल तक के लिए रहता है इसलिए एक देश वो भी उपाधेय है मुक्ति तो सिर्फ छाये भाव से ही है औद्योगिक भाव जो है वो है है बिल्कुल छोड़ने योग है वो पारिणामिक भाव परमानेंट है उसे आश्रय करना चाहिए जिससे हमारा छायक भाव प्रकट हो मुक्ति की प्राप्ति हो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर पांच भावों को देखा और भी पांच भावों की कुछ जानकारियाँ हैं जिसे अपन कल विस्तार रूप से देखेंगे इसलिए प्रकार पांचों भावों को समझना बहुत ज़रूरी था अच्छा भाव पुरुषार्थ में विकार नष्ट होता है यह लाभ प्राप्त होता है क्षयिक भाव से क्षयमिक भाव अनादि काल से विकार होने पर भी यह जीव जड़ नहीं हुआ यह हमें ज्ञान प्राप्त होता है और औषमिक भाव से पहली श्रद्धा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट होता है इसका भी हमें यहाँ पर ज्ञान हुआ इस प्रकार से पांच भाव के समझने के यह लाभ हैं इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए और पारिणामिक भाव का आश्रय लेना चाहिए जो आज ये पांच भाव अपने यहाँ पर पूर्ण रूप से संपन्न हुए अब आगे जो नया सूत्र चलेगा उसको अपन कल देखेंगे श्रीमती सुनीला जैन गुना मध्य प्रदेश आपकी शंका आई हुई है कि मिथ्या दृष्टि और अभव्य को छयोस्मिक भाव कितने होते हैं तो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव को ग्यारह भाव हो छमिक होते हैं तीन अज्ञान तीन दर्शन और पांच लब्धि जो दान लाभ भोगो भोग वीर है इसका संभाव पाया जा सकता है इस प्रकार से ग्यारह भाव उसको पाए जाते हैं धनेंद्र कुमार जैन सहारनपुर और डॉक्टर बिमला पाटनी सरिता बिहार दिल्ली एवं गणेश लाल जैन ए परिवार डूंगरपुर राजस्थान आप तीनों की एक ही शंका है चल मल आगाड़ दोष किसे कहते हैं सामान्य गुणों वालों में भी चलायमान होना वह चल दोष होता है जैसे सभी तीर्थंकर समान गुण के धारी हैं फिर भी किसी विशेष तीर्थंकर में या ये हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर आप्त आगम और पदार्थ गुरु आदि इनमें चलायमान होना कभी आप पारसनाथ नहीं लग रहे तो आप शांतिनाथ की पूजा करने लगे याली वेदी में पसंद नहीं आया तो उस वेदी में करने लगे इस प्रकार से चलायमान होना ये वेदक सम्यक जो वाला जो जीव है सम्यक प्रगति के उद्देश्य इस प्रकार से इसके भावना बन जाते हैं अपने है बनाए हुए मंदिर में यह मेरा मंदिर है वह तुम्हारा मंदिर है ये मेरे गुरु हैं ये तुम्हारे गुरु हैं ये मेरा शास्त्र है ये तुम्हारा शास्त्र है इस प्रकार से चलायमान जो होता है वह चल दोष वाला दोष कहलाता है सम्यक दर्शन काल में मल दोष कहलाता है कि जो शंका कांक्षा और विचिक विचिकित्सा आदि जो व्यक्ति के अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं जिनेन्द्र भगवान की वाणी में भी उसे संदेह नहीं होती पर शंकाएँ होती हैं शोषण इतना नहीं है और कांचा भी उसके अंदर प्रकट होती है भगवान से कुछ मांगने लेने की प्रकार कांचा का भाव भी आ जाता है तो शंका तो कांचा आदि जो दोष लगते हैं वो मल दोष कहलाता है मलिन हो जाता है सम्मत उसका और आगाड़ में जिसमें गाढ़ता नहीं रहती है वृद्ध पुरुष की तरह जैसे लाठी तो स्थिर एक जगह है लेकिन ऊपर से कम पायमान है ऐसे ही शांति ना शांति के दाता हैं और पारस संकटहारी हैं इस प्रकार से वह स्थिर नहीं है जब शोरगुल हो रहा तो हम शांतिनाथ भगवान की जय बोलते हैं चंद्र भगवान की नहीं बोलते हैं क्यों हम लगता शांतिनाथ भगवान से सब क्या हो जाएंगे वो सब शांत हो जाएंगे तो इस प्रकार से हमारी मानसिकता में पारसनाथ संकट हारी हैं शांतिनाथ जो हैं वो शांति के दाता हैं ये आगाड़ नाम का दोष है इस प्रकार से जो पहला दोष था चल दोष वह दोष पानी की चंचलता की तरह चलायमान होने वाला मल वाला दोष जो है जैसे बाह में सोने में मल लगा हुआ है ऐसा वह दोष और वृद्ध पुरुष की लाठी की तरह दोष, तीनों दोषों के होने पर भी कर्मों की शक्ति जो है, है वो उसका होता जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष छठ सागर तक उस प्रगति में भी कर्मों का छ छय रूप से परिणाम पाया जाता है जावाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद